नमस्कार, आज हम बात करेंगे महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं ये भी जानकारी रखना जरूरी है। आज से 100 साल के पहले महिलाओं के फंडामेंटल राइट्स कुछ भी नहीं थे, जैसे कि इलेक्शन लड़ने का राइट, प्रॉपर्टी ओन करने का राइट, बाहर जाके काम करने का राइट, ये कुछ भी नहीं था। महिलाओं को पुरुष से बहुत कम माना जाता था। कुछ सालों के बाद महिलाएं प्रोटेस्ट करने लगे, उनका राइट के लिए प्रोटेस्ट करने लगे। तब कुछ साल होने के बाद वुमेन एम्प्लॉयमेंट प्राप्त होने लगा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट मिलने के बाद भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन होने लगा। महिलाओं को पुरुष के बराबर सैलरी नहीं दिया जाता था, पुरुष को सेम काम के लिए पुरुष को ज़्यादा सैलरी मिलता था और महिलाओं को बहुत ही कम सैलरी मिलता था। महिलाओं को कुछ भी फ्रीडम नहीं था, घरेलू हिंसा भी बहुत होती थी। 1909 में टेक्सटाइल वर्कर्स प्रोटेस्ट करने लगे, जो भी टेक्सटाइल में वर्कर्स थे, लेडीज टेक्सटाइल वर्कर्स, सब लोग मिलके प्रोटेस्ट करने लगे अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए। उन लोगों का मांग ये था कि हम लोगों को भी सेम सैलरी चाहिए, हम लोगों को रेस्पेक्ट चाहिए अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए, राइट्स के लिए, इलेक्शन में लड़ने के लिए, ये सारे राइट्स के लिए वो लोग प्रोटेस्ट करने लगे। ऐसे प्रोटेस्ट होने लगे वुमेन्स राइट्स के लिए, सारे देश वुमेन्स डे मनाने के बारे में सोचने लगे, पॉलिसीज बनाने लगे। ये सारी परिस्थितियों को नज़र में रखते हुए यूनाइटेड नेशन ने 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे घोषित किया गया। 8 मार्च को सारे महिलाओं को याद किया जाता है, जो भी प्रोटेस्ट किए, जो भी महान काम किए, अचीवमेंट्स किए, जिनके बदौलत हमें इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाने का मौका मिला। इंटरनेशनल डे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन अभी भी कई जगहों पर नारी को पुरुष से कम माना जाता है। नारी कुछ भी करना चाहती है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है, तो उसे घर के चार दीवारों में कैद किया जाता है। बहुत सारी जगह हमें देखने को मिलता है कि बेटी को पढ़ाना जरूरी नहीं समझते, बेटी को तो पराया धन है, उसे पढ़ा लिखा के क्यों खर्चा करे, वो तो एक दिन शादी करके चले जाएगी। कैसे भी शादी के बाद तो उसको घर ही संभालना है, बच्चे ही पैदा करना है, पढ़ लिख के क्या करेगी। मुझे बहुत दुख होता है ऐसे लोगों की सोच से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपकी सोच बदलो। मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि नारी और पुरुष दोनों भी ही बराबर है। नारी और पुरुष को कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए, ना कि नारी को हमेशा पुरुष के पीछे चलना चाहिए। अपना सोच बदलो, इसी से दुनिया बदलेगी। शिक्षा बहुत जरूरी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और शिक्षित करो। वंस अगेन हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे टू ऑल। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हैप्पी, हेल्दी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, रेस्पेक्ट योरसेल्फ।